तो आज ही हमारा चैप्टर 7 का क्विक रिवीजन सीरीज हम देखने जा रहे हैं, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, जिसमें हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन देखते हैं। और आज हमारा ये चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। जहां तक इस चैप्टर की वेटेज की बात है एग्जामों में, तो दो क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, एक से दो क्वेश्चन। दो क्वेश्चन की जहां तक वेटेज की बात है, एक क्वेश्चन जो आते हैं एनिमल टिश्यू वाले पार्ट से और एक क्वेश्चन कॉकरोच से आता है। हमारे सिलेबस में कॉकरोच ही है सिर्फ, हमारे सिलेबस में ना ही अर्थवॉर्म है और ना ही फ्रॉग है। तो हम पढ़ेंगे इसमें एनिमल टिश्यूज के बारे में और कॉकरोच के बारे में। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम एक छोटा सा पैराग्राफ है बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आते हैं, एनिमल टिश्यूज से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं और कॉकरोच से कुछ लिमिटेड पार्ट है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम। इसमें मैंने दो हाइलाइटर्स का यूज किया है, येलो हाइलाइटर जिससे वो चीजें जो एग्जामों में पूछी जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है, और रेड हाइलाइटर से वो चीजों को मैंने अंडरलाइन किया है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हमारा चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो इसमें सबसे पहले बात होती है टिश्यूज की। तो जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सिमिलर सेल्स के ग्रुप होते हैं, और सिमिलर सेल्स के जब ग्रुप बने हुए होते हैं तो वो टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये था हमारा पार्ट टिश्यू के लिए। नेक्स्ट है पैराग्राफ के बारे में, आपको बताया गया है कि सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गेन, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम, और सबका डिवीजन ऑफ लेबर हो गया है, सबका एक अपना वर्क अलॉट है जिससे कि हमारा पूरे बॉडी का सर्वाइवल हो पाना तय हो गया है। नेक्स्ट है हमारा एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू को जनरली 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। इसमें हम एपिथेलियल और कनेक्टिव को डिटेल में पढ़ते हैं, मस्कुलर हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 20, और न्यूरल को हम न्यूरल कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 21। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला पार्ट एपिथेलियल टिश्यू। सिलेक्टेड पार्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के पास फ्री सरफेस होता है, चाहे तो वो बॉडी फ्लूड को फेस कर रहा होगा, जैसे कि ब्लड को शायद वो फेस कर रहा होगा, जैसे स्क्वैमस एपिथेलियम ब्लड वेसल्स को फेस कर रहा होता है। नेक्स्ट है आउटसाइड, मींस बॉडी के कवरिंग में वो मदद करेगा या लाइनिंग में मदद करेगा। दो पार्ट होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर के बने हुए होते हैं, कंपाउंड दो से ज्यादा लेयर के बने हुए होते हैं। सिंपल एपिथेलियम का काम किसी बॉडी कैविटी डक्ट और ट्यूब को लाइंड करने का होता है, लाइनिंग वहां करने का होता है। कंपाउंड एपिथेलियम का काम होता है प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, आगे हम बढ़ें। सिंपल एपिथेलियम को 3 टाइप में जनरली डिवाइड किया जाता है, ऐसे उसके 4 पार्ट होते हैं। कॉलुमनर से ही आगे सिलेटेड कॉलुमनर वो पार्ट होता है। तो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बेसिस पे इसके ये पार्ट हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलुमनर। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये जो हमारा पार्ट है ये पार्ट होता है स्क्वैमस, नेक्स्ट है ये क्यूबॉइडल, ये है हमारा कॉलुमनर, ये हमारा कॉलुमनर सिलिएटेड, मींस इसमें सिलिया निकले हुए हैं, इसलिए इसको बोला कॉलुमनर सिलिएटेड। ये इसमें फ्लैट सेल्स होते हैं, इसमें क्यूब लाइक सेल्स होते हैं और इसमें टॉल सेल्स होते हैं। तो ये हमारा पार्ट पहला स्क्वैमस एपिथेलियम। अब आप पूछोगे सर इसमें से पूछा क्या जाएगा, इतनी चीजें इसमें दे रखी हैं, इसमें से एग्जांपल पूछा जाना तय है, पूछे भी जा चुके हैं। पहला चीज स्क्वैमस एपिथेलियम, पहली बात तो कहां पाए जाते हैं ये, तो हमारे ब्लड वेसल्स के जो वॉल होते हैं वहां ये प्रेजेंट होते हैं। दूसरा एयर सैक जो हमारा लंग्स का होता है वहां, क्योंकि डिफ्यूजन बाउंड्री के जैसा वहां ये काम करता है, वहां स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट है। स्क्वैमस एपिथेलियम के 2 खास फीचर, फ्लैट सेल्स के होने और इरेगुलर बाउंड्री होना। नेक्स्ट बात करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्यूब लाइक सेल्स होंगे, प्रेजेंट कहां होंगे ये, तो डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में, जैसे किडनीज की पीसीटी वाले पार्ट में, माइक्रोविलाई के जैसा प्रेजेंट होता है। काम क्या है, तो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन पूछा जा चुका है। ठीक है, पीसीटी वाला पार्ट भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है कॉलुमनर एपिथेलियम। कॉलुमनर एपिथेलियम टॉल एंड सिलेंडर सेल्स होती हैं, जिसके बेस पे न्यूक्लियाई का प्रेजेंस होता है और माइक्रोविलाई जो होते हैं फ्री होते हैं, अगर होंगे तो। होते कहां है, तो स्टोमेक के लाइनिंग और इंटेस्टाइन के लाइनिंग ये करते हैं। काम होता है सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन करना, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है कॉलुमनर और क्यूबॉइडल में ही जब सिलिया का प्रेजेंस होता है तो उसको सिलिएटेड एपिथेलियम बोलते हैं। एग्जांपल है ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब। कहें तो जो भी हॉलो ऑर्गन्स होंगे वहां पे सिलिएटेड एपिथेलियम का प्रेजेंस होगा, क्योंकि एक पार्टिकल को, जैसे आपका ओवम है, तो ओवम को अगर यहां से पहुंचाना है यहां, तो म्यूकस जो भी होते हैं, म्यूकस होते हैं, तो उनको ये सिलिया मूव करता है यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह, जो ओवम का पास होगा तो वो सिलिया के थ्रू ही होता है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे। अब
और ये हमारा खास पार्ट, ये डायग्राम पूछा जा चुका है। एक ग्लैंडुलर एपिथेलियम के दो पार्ट हैं, तो यूनिसेलुलर होते हैं और ये होते हैं मल्टीसेलुलर। जैसे यूनिसेलुलर आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स के बने हुए होते हैं, जैसे गॉबलेट सेल्स म्यूकस का सिक्रीशन करेंगे, ये होते हैं सेलेब्री ग्लैंड। बहुत सारे सेल इसमें होते हैं, क्लस्टर्स ऑफ सेल्स, जैसे सेलेब्री ग्लैंड हमारा। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होता है जनरली ये सेक्रेशन के काम आता है, कॉलुमनर और क्यूबॉइडल का ही मॉडिफाइड पार्ट ये होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। दो पार्ट है मैंने आपको बताया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में एग्जांपल आएगा ग्लैंडुलर सेल्स, जिसके एग्जांपल हैं गॉबलेट सेल्स हमारे एलिमेंट्री कैनाल के, जो म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारा ये पार्ट है क्लस्टर ऑफ सॉफ्ट सेल्स, जिसमें मल्टीसेलुलर का ये पार्ट होगा, जैसे हमारा ये सेलेब्री ग्लैंड होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रेशन, अपना सिक्रेशन ये कहाँ करते हैं उसके बेसिस पे इसको दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, एक तो एक्सोक्राइन और दूसरा है हमारा इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन से निकलते हैं म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, आयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और भी बहुत सारे सबस्टांस, ठीक है। तो ये जो एक्सोक्राइन होते हैं, तो एक्सोक्राइन जो डायरेक्ट डक्ट्स और ट्यूब्स में सिक्रेशन होता है, लेकिन इंडोक्राइन डायरेक्ट वो ब्लड में सिक्रेशन होता है, मींस डायरेक्ट वो फ्लूड में सिक्रेशन होता है, जिसे हॉर्मोन्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम का जनरली जो पार्ट होता है वो प्रोटेक्शन में ही मदद करता है, केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से। ड्राई सरफेस ऑफ स्किन को ये कवर करने का काम करता है, साथ ही बकल कैविटी, फेरिंग्स और जो सेलेब्री ग्लैंड्स के जो डक्ट्स, हमको ये लाइनिंग करने का, पैनक्रेटिक डक्ट के डक्ट को लाइनिंग करने का ये काम करता है। ये डायग्राम आप देख रहे हैं कंपाउंड एपिथेलियम का, मल्टी लेयर्ड ऑफ सेल्स मैंने बताया आपको। ये हमारे तीन जंक्शन जो खास हैं, टाइट एडहेरिंग और गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन स्टॉप सबस्टांसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस और टिश्यू, मीन्स इसमें स्टॉप सबस्टांसेस किसी सबस्टांस को एक टिश्यू दूसरे पार्ट में जाने से ये रोकने का काम करता है टाइट जंक्शन। स्टॉप सबस्टांसेस जैसे ही दिख गया आप लगाओगे टाइट जंक्शन। नेक्स्ट है एडहेरिंग जंक्शन, इसमें काम होता है नेबरिंग सेल्स के बीच में आपस में दोनों लोग जुड़े हुए रहे, सीमेंटिंग करने का काम करता है, तो ये काम होता है एडहेरिंग जंक्शन का। क्वेश्चन पूछा गया था गैप जंक्शन, तो गैप जंक्शन जो होता है कम्युनिकेशन का बेस्ट मीडियम ये होता है, साइटोप्लाज्म के बीच में आराम से आयन या कोई भी छोटे मॉलिक्यूल या बड़े मॉलिक्यूल आराम से एक से दूसरे जगह जा सके, ये काम होता है गैप जंक्शन का। डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी, विच टाइप ऑफ जंक्शन फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, ये लाइन पूरा डायरेक्ट पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे क्या आया है, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन कौन से टिश्यू में आते हैं, एपिथेलियल कनेक्टिव मस्कुलर न्यूरल, तो एपिथेलियल टिश्यू में ही हम ये पार्ट को पढ़ते हैं। अभी हमारा पार्ट होता है स्टार्ट कनेक्टिव टिश्यू, तो हमारे पूरे बॉडी में जो सबसे अबंडेंट अमाउंट में पाए जाते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू ही होता है। अगर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से लेकर, मींस कहें तो लूज कनेक्टिव टिश्यू से लेकर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू तक हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपका एरियोलर टिश्यू है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन 2012 के AIIMS मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, लेबलिंग करने के लिए पूछा गया था। ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है ये क्या है, तो मैक्रोफेज है। इस जो पार्ट है ये फाइब्रोब्लास्ट है और इसके अंदर से निकले हुए हैं फाइबर, तो जिसका नाम बोलते हैं कोलेजन फाइबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा मास्ट सेल, जिससे हिस्टामिन का सिक्रीशन होता है। नेक्स्ट हमारा एडिपोज, इस एरिया में फैट स्टोर होता है। ये हमारा ब्लैक वाला पार्ट न्यूक्लियस है सब जगह, और ऊपर से जो मेम्ब्रेन है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया गया। इंपॉर्टेंट है हमारा एरियोलर टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट आगे, अगर हम सारे जितने भी प्रोटीन्स होते हैं तो सारे फाइबर्स का सिक्रेशन करते हैं, अगर ब्लड को छोड़ दें तो ब्लड इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें कोलेजन और इलास्टिन बोला जा रहा है, फाइबर्स उसके निकलते हैं। फाइबर्स क्या करते हैं, तो स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं किसी भी टिश्यू को। तीन तरह के जनरली ये टिश्यू होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इसके दो पार्ट हैं, एक तो एरियोलर और दूसरा है एडिपोज। इसमें खास बात, इसमें मोर मैट्रिक्स और लेस फाइबर, ये आप याद रखोगे लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में मोर फाइबर्स और लेस मैट्रिक्स, आपका काम चल जाएगा। आगे मैं बताता हूँ क्या आपको याद रखना है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर और एडिपोज टिश्यू आएंगे, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये दोनों स्किन के नीचे में ही प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट बात है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के दो पार्ट, रेगुलर और इरेगुलर। जैसे ये वाला पार्ट आप रेगुलर देख रहे हो डायग्राम में, ये वाला पार्ट इरेगुलर है, तो इसको बोला गया रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। रेगुलर के दो पार्ट होते हैं, टेंडन और लिगामेंट्स, ठीक है, ये आप पार्ट याद रखोगे। और जहां तक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात है, तो उसमें कार्टिलेज, बोन, ब्लड, लिम्फ, ये चार पार्ट आते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब कुछ खास बात आप देख लो, फाइब्रोब्लास्ट है, तो फाइब्रोब्लास्ट प्रोड्यूस करता है फाइबर वगैरह को, और उसके साथ ही जो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं
तो उनमें मैंने आपको बताया माइक्रोफेज मास्ट सेल्स वगैरह होगा, क्योंकि एरियोलर टिश्यू का ही ये पार्ट होता है। एडिपोज टिश्यू का खास काम फैट के स्टोरेज करने का काम ये होता है, और जो भी हमने एक्सेस न्यूट्रिएंट्स लिया तो उसको भी ये कन्वर्ट कर देता है फैट में और स्टोर होता है एडिपोज टिश्यू को, जब बॉडी की जरूरत पड़ेगी तो वहां पे ये काम आएगा। डेंस कनेक्टिव टिश्यू ये है, तो यहाँ दो पार्ट है, रेगुलर और इरेगुलर। तो जो टेंडन और लिगामेंट्स आएंगे वो रेगुलर वाले पार्ट में आएंगे, तो मसल्स और बोन को, जो स्केलेटन मसल्स और बोन को कनेक्ट करने का काम आएगा वो टेंडन है, और जो लिगामेंट्स है मींस बोन और लिगामेंट को जो काम करने में आएगा वो पार्ट जो होता है तो वो लिगामेंट होता है। तो लिगामेंट को आप ऐसे याद रख सकते हो, BLB मींस बोन टू बोन, तो लिगामेंट्स ये वाला पार्ट आएगा। तो बल्ब से आप डायरेक्ट ये यहाँ पे याद रख सकते हो। टेंडन क्या है, तो मसल्स को बोन से कनेक्ट करने में काम आता है। नेक्स्ट ये हमारा पार्ट है कार्टिलेज। मैंने आपको बताया जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट हैं, स्पेशलाइज्ड हैं जो कार्टिलेज बोन और ब्लड जो होते हैं ये टाइप है। कार्टिलेज का खास जो टिश्यूज जो सेल्स होते हैं उन्हें कॉन्ड्रोसाइट्स बोला जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो हमारा टिप ऑफ नोज होता है वो किस चीज का बना हुआ होता है, तो कार्टिलेज का बना हुआ होता है। अब से कुछ भी पूछा जाए ना कि आउटर ईयर ज्वाइंट्स है, एडजेसेंट बोन्स जो होते हैं वर्टेब्रल कॉलम में, लिम्स या हैंड्स जो होते हैं एडल्ट्स में, वो किस चीज के बने हैं, तो कार्टिलेज के। जो ज्यादातर कार्टिलेज होते हैं ना उनमें एम्ब्रियोज में तो कार्टिलेज होता है, लेकिन एडल्ट में वो बोन में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे जो बोन्स होते हैं नेक्स्ट, उसमें कैल्शियम सॉल्ट्स और कोलेजन फाइबर होता है। बोन हमारा हार्ड होता है, आप उसे मोड़ नहीं सकते हो, नॉन प्लायबल होता है। बोन्स में जो सेल होते हैं उन्हें ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, और जो स्पेसेस होते हैं उन्हें लैगुने बोलते हैं। ये तो आप जानते ही हैं, बोन मैरो में RBC का फॉर्मेशन होता है, तो साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड जो हमारा है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें प्लाज्मा प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ ही RBC, WBC और प्लेटलेट्स होते हैं। हमारा ब्लड ही एक ऐसा होता है बॉडी में सर्कुलेटिंग फ्लूड, बहुत सारे सबस्टांस को ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरे जगह। ये हमारा पार्ट है मसल टिश्यू। हम जनरली इसको पढ़ते हैं हमारा चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, तो इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं बता रहा हूँ। हमारा जो मसल टिश्यू होता है में जो डर्मल इन ऑरिजिन होता है, इसमें एक मायोफाइब्रिल्स होता है, जितने भी फाइबर्स होते हैं वो इसके अंडर में ही आते हैं। नेक्स्ट है मसल्स के तीन टाइप है यहाँ पे, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक मसल्स। यहाँ पे जनरली तीन टाइप के होते हैं। स्केलेटल मसल्स, तो स्केलेटल बोन से अटैच होते हैं, जैसे हमारा बाइसेप्स जो डोले सोले होते हैं तो वो बाइसेप्स वाले पार्ट आ गए, या स्ट्रिप्ड होता है। मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये देखो आप डायग्राम, तो इसमें स्ट्रिएशंस, ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है ये देखने को मिलेंगे आपको स्केलेटल में, और ये आपको मिलेंगे कार्डियक में। तो मीन्स ये दोनों में तो होता है, ये दोनों पूछे गए थे नीट कर्नाटका 2013 में, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया, वो कहीं भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलती नहीं है, तो 2013 में ये पेपर आई थी, डायरेक्ट डायग्राम ये पूछा गया था। तो स्ट्रिएशंस किस में मिलेंगे आपको, तो स्केलेटल मसल्स में और कार्डियक मसल्स में, और इसमें आपको स्ट्रिएशन देखने को नहीं मिलेगा। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है हमारा, ये तो आप डायग्राम ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है स्मूथ मसल्स, पूछा गया है क्वेश्चन ये APMT में। स्मूथ मसल्स फ्यूजी फॉर्म होते हैं, मीन्स ये टैपरिंग आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पर आके ये टैपर्ड एंड इसको बोलते हैं। इसमें आपको टैपर्ड एंड नहीं मिलेगी, इसमें आपको टैपर्ड एंड देखने को मिल रहा है, इस तरह हो जाती है। तो इसमें डोंट सो स्ट्रिएशंस भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है, इनवॉलेंट्री होती है, मीन्स हमारे बस में कुछ नहीं होता, अंदर से ही रेगुलेट हो रहा होता है, ठीक है। फंक्शनिंग कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड। कहाँ होते हैं ये जनरली, दी वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स जैसे ब्लड वेसल्स, स्टोमक और इंटेस्टाइन वगैरह में मसल टिश्यू जनरली प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी में कितने मसल्स, तो 639। हमारी बॉडी का 40-50% जो बॉडी वेट है वो कैरी करता है मसल्स, ये सब बातें हैं। नेक्स्ट हम बात करें कार्डियक मसल्स में, इंटरकैलेटेड डिस्क सबसे खास। जो कार्डियक मसल्स होता है आप तो जानते ही, इनवॉलेंटरी होता है, अभी मैंने आपको बताया स्ट्रिप्ड होता है, हमारे हार्ट में प्रेजेंट होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होता है, और इंटरकैलेटेड डिस्क होते हैं, मींस कम्युनिकेशन जंक्शन के लिए काम होता है। ये पार्ट आप याद रखेंगे, कभी भी फटिग इसमें नहीं होता, कभी भी थकान नहीं होती। जब से हम जन्म लेते हैं, मीन्स जब से हमारा फॉर्मेशन हो रहा होता है एज एम्ब्रियो, तब से लेकर डेथ तक ये हमेशा एक्टिव होता है, तो नेवर फटिगनेस। तो ऐसी ही एक्टिवनेस हमें भी बरतनी चाहिए, हमें एक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट बात हम करते हैं न्यूरल टिश्यू के बारे में। तो जो न्यूरल टिश्यू होता है जनरली ये प्रोटेक्शन के काम आता है, कहें तो न्यूरॉन्स आर द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट एंड आर एक्साइटेबल सेल्स। तो ही बात यहाँ पे की जा रही है, एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, ये हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। काम क्या है न्यूरल टिश्यू का, तो न्यूरोग्लिया जो होते हैं उनका प्रोटेक्शन और सपोर्ट में काम होता है। हमारे बॉडी का मोर देन वन हाफ द वॉल्यूम जो है वो न्यूरल टिश्यू ही हमारे
जो मतलब कहें तो 100% अगर न्यूरल टिश्यू है तो उसमें न्यूरोग्लिया 1/2 होता है, मीन 50% ये पार्ट होता है। ये आप डायग्राम देख रहे हैं न्यूरल टिश्यू का जो न्यूरोग्लिया के साथ, अब जो ब्लैक ब्लैक डॉट डॉट देख रहे हो न्यूरोग्लिया ही है, ये पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट है न्यूरल टिश्यू से रिलेटेड। आगे हम बात करें हमारा जो हार्ट होता है इसमें चारों तरह के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल, और इस पैराग्राफ से पूछे जाने वाला कुछ भी पार्ट नहीं। नेक्स्ट हम यहाँ ये अर्थवर्म, हमारे सिलेबस में अर्थवर्म नहीं है और फ्रॉग भी हमारे सिलेबस में नहीं है और क्वेश्चंस भी कहीं पूछे इससे नहीं जाते। अर्थवर्म तो आप जानते ही हैं, एनेलिडा का ये पार्ट होता है। नेक्स्ट हमारा बात करें कॉकरोच, कॉकरोच इंपॉर्टेंट पार्ट है, हर साल ये क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। कॉकरोच किस फाइलम में आता है, तो आर्थ्रोपोडा का फाइलम है इसका, क्लास अगर बात करें तो इंसेक्टा है। नेक्स्ट नॉक्टर्नल ओमनिवोर्स होता है, मींस रातों में ये जनरली एक्टिव होते हैं, फास्ट रनर ये होते हैं। टेरी प्लानेटा अमेरिकाना साइंटिफिक नेम होता है, तीन पार्ट में इसके डिवाइड किया जाता है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। हार्ड काइटेनियस एक्सोस्केलेटन जो बना हुआ होता है वो काइटीन का, अब जो क्वेश्चन आया है वो चुने। जो इसके सेगमेंट होते हैं तीन पार्ट इसमें डिवाइड किया जाता है, जैसे जो आप एक्सोस्केलेटन देख रहे हो पूरे इंटायर बॉडी की, इसको तीन टाइप में, जैसे एक होता है डॉर्सल पार्ट, अब पहले ये याद रखो, नेक्स्ट है वेंट्रल पार्ट और नेक्स्ट है लैटरल पार्ट। तो डॉर्सल पार्ट को बोलते हैं टर्गाइट, वेंट्रल पार्ट को बोलते हैं प्लूराइट, वेंट्रल को सॉरी एस्टरनाइट, और जो लैटरल पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्लूराइट। तो डॉर्सल टर्गाइट, लैटरल प्लूराइट और वेंट्रल एस्टरनाइट वाला ये पार्ट होता है। ये तीनों जुड़े हुए किस चीज से होते हैं, तो आर्टिकुलर मेम्ब्रेन होता है, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन होता है, जिसको थीन और फ्लेक्सिबल जो कि होता है क्वेश्चन पूछा गया है। ये आप डायग्राम देख रहे हो, सब कुछ क्लियर है इस डायग्राम में। आगे हम बात करें जो हेड होता है ट्रायंगुलर शेप का होता है, हेड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो 6 सेगमेंट के फ्यूजन से इसका फॉर्मेशन हुआ है। कैसा होता है माउथ पार्ट्स, तो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। माउथ पार्ट में 5 चीजें होती हैं, लैब्रम जिसे अपर लिप बोलते हैं, एक पार्ट एक ही होता है ये। नेक्स्ट है लैबियम, तो लैबियम जो होता है लोअर लिप बोलते हैं, एक होता है सिंगल। मैक्सिला 2 होते हैं, मैंडिबल्स भी 2 होते हैं, पेयर की बात मैं नहीं कर रहा, पेयर तो एक होते हैं मैंडिबल्स और एक पेयर मैक्सिला की, और एक लैबियम होता है और एक लैबरम होता है। नेक्स्ट है टंग जो कि हाइपोफेरिक्स। अगर थोरैक्स को कहें, तीन पार्ट में बांटे जाते हैं, तीन सेगमेंट्स में, प्रोथोरैक्स, मेजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। मेजोथोरैक्स से फोरविंग्स का ओरिजिन है और मेटाथोरैक्स से हिंडविंग्स का ओरिजिन है। यह पार्ट तो सिंपल है, याद रहेगा ही। जो फोरविंग्स होते हैं टेग्मिना वाला जो पार्ट है वो जनरली ओपेक और डार्क होते हैं, क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ पे, लेदरी होते हैं, थीक होते हैं। और जो हिंडविंग्स वाला पार्ट होता है ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, और फ्लाइट में इनका ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट खास बात, जो एब्डोमेन होता है, तो एब्डोमेन में 10 सेगमेंट्स होते हैं, मेल और फीमेल अगर दोनों को इंक्लूड करें तो। 7th स्टर्नम बोर्ड शेप का होता है, और फीमेल में क्या क्या होगा, तो एक तो फीमेल गोनोपोर होगा, स्पर्मेटिकल पोर और कोलेट्रल ग्लैंड। अब लास्ट में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम में ये सब चीजें देख सकते हो। नेक्स्ट है मेल में डॉर्सल एनस, वेंट्रल मेल जेनिटल पोर और गोनोपोफाइसिस। अब खास बात, एनल स्टाइल सिर्फ मेल में प्रेजेंट होगा और ये फीमेल में एब्सेंट होगा। एनल स्टाइल 9th स्टर्नम पे प्रेजेंट होता है, और एनल सरकाई दोनों में प्रेजेंट होगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो 10th सेगमेंट पे प्रेजेंट होगा। जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। फिर से मैं बता दूं, जो एनल स्टाइल है वो सिर्फ मेल में प्रेजेंट होगा, फीमेल स्टाइल कभी नहीं शो करती, ठीक है। आगे हम बात करें, ये आपके डायग्राम्स हो गए, आप एक बार देख लोगे अच्छे से, डायग्राम ऐसे भी पूछे नहीं जाते। पूरे एलिमेंट्री कैनाल को कॉकरोच को तीन पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, फोरगट, मिडगट और हिंडगट। आपको मैं ये पूरा डायग्राम बताऊं तो यहाँ से लेकर आप गिजार्ड तक का पूरा पार्ट कवर कर लो, और ये आपका मिडगट। तो मैं बात अगर कहूं कि ये जो फोरगट है, आगे वाला जो पार्ट मैंने अंडरलाइन किया है, ये फोरगट है और ये पार्ट मिडगट है, दोनों को ज्वाइन करने का काम हेपेटिक सी की कर रहा है, तो गलत नहीं होगा। नेक्स्ट, ये नीचे का पार्ट हो गया आपका हिंडगट, तो हिंडगट है, तो हिंडगट वाला इलियम से लेकर रेक्टम तक का पार्ट हो गया है हिंडगट। तो मिडगट और हिंडगट के बीच का जंक्शन कौन है, मालपिगन ट्यूबल्स। नंबर अब देखेंगे, हेपेटिक सीकी का नंबर 6 से 8 होता है, मालपिगन ट्यूबल्स का नंबर 100 से 150 होता है। अब शुरू से एक एक पार्ट कर चलते चले जाते हैं। हमारा खास क्रॉप, ये जो आप क्रॉप देख रहे हैं, थैला जैसा स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसमें फूड स्टोरेज का काम होता है। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं क्रॉप बात हो गई, गिजार्ड, गिजार्ड का काम होता है ग्राइंडिंग करने का, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 6 टीथ होते हैं, इन्हें प्रोवेंट्रिकुलस भी बोला जाता है।
हेपेटिक सी की मैंने बताया 6 से 8 होंगे जो कि डाइजेस्टिव जूस के सिक्रेशन करने में मदद करते हैं। मीट गट आप जान ही रहे, मेसेंट्रॉन इसको बोला जाता है, एब्जॉर्प्शन के लिए मेनली ये पार्ट रिस्पॉन्सिबल है। माल्पिगन ट्यूबल्स का नंबर 100 से 150 होता है, येलो कलर का होता है, एक्सक्रेशन में ये मदद करता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है माल्पिगन ट्यूबल्स। एक साइंटिस्ट थे माल्पिग, उन्हीं के नाम पे ये पड़ा है। नेक्स्ट है ये हिंडगट का पार्ट हो गया, इलियम से लेकर रेक्टम तक का। जनरली ये हिंडगट होता है और हिंडगट सबसे ब्रॉडर पार्ट होता है, मिडगट से भी ब्रॉडर पार्ट होता है। अगर मिडगट और हिंडगट में देखें, हिंडगट ब्रॉडर पार्ट है। ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं, आप इसे देख सकते हो। नेक्स्ट अगर ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की बात करें तो ओपन टाइप होता है, लैकुनर टाइप जिसको बोलते हैं। हेमोसील इसमें जनरली जितने भी विसरल ऑर्गन्स होते हैं हेमोसील में होते हैं, और हेमोलिम्फ इसमें खास है, हेमोलिम्फ में कलरलेस प्लाज्मा और हेमोसाइट्स का प्रेजेंट होता है। ब्लड वेसल पुअरली डेवलप होते हैं, हार्ट में 13 चैम्बर इसमें प्रेजेंट होते हैं और एलरी मसल्स इसमें प्रेजेंट होता है। फनल शेप्ड चैम्बर्स आप देख रहे हैं, इसमें फनल शेप्ड से चैम्बर बना रखा है और एलरी मसल्स आप देख ही रहे हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रैकियल सिस्टम होता है, इसमें 10 पेयर्स होंगे स्पायरिकल्स के, और जिससे ये रेस्पायरेशन होता है, ट्रैक से ट्रैकियल ट्यूब, ट्रैकियल ट्यूब से ट्रैक्यूल्स की तरफ डिफ्यूजन होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं स्पायरिकल्स, स्मॉल होल्स। अस्फिंक्टर के द्वारा ये रेगुलेट होते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस से ये पार्ट चलता है। आप एक चीज और याद रखना, जो हमारी की जो ट्रैकिया होती है और जो कॉकरोच की ट्रैकिया होती है, दोनों नॉन कोलेप्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्रेशन, आपने देखा है माल्पिगन ट्यूबल्स, जो कॉकरोच के जो चीफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होते हैं वो यूरिक एसिड होते हैं, इसलिए न्यूरोकोटेलिक कहा जाता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम में और भी चीजें जो मदद करती हैं, फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स और यूरिकोज ग्लैंड्स, और इसके अलावा मैंने माल्पिगन ट्यूबल्स की बात की ही। क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा गया था कि कॉकरोच का जो एक्सक्रेटरी सब्सटेंस होता है मेनली किस फॉर्म में होता है, तो पोटेशियम यूरिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट नर्वस सिस्टम जो कॉकरोच का है, सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया होता है, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है, पूरे बॉडी में स्प्रेड आउट होती है, ब्रेन और वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो होते हैं सेगमेंटली अरेंज्ड होते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो थोरैक्स में 3 गैंग्लिया प्रेजेंट होंगे और 6 होते हैं एब्डोमेन। तो आपको ये पता चल रहा है कि हेड में तो बहुत कम है, तो जी हाँ, हेड में बहुत बीट ऑफ नर्वस सिस्टम थोड़ा सा होता है, इसलिए कहते हैं अगर कॉकरोच की हेड को अगर कट कर दिया जाए तो 1 वीक तक ये जिंदा रह जाएगा। ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रोफेसियल गैंग्लियन, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछी जाएगी आपसे कि द ब्रेन किससे रिप्रेजेंट होता है, तो ब्रेन का वो पार्ट जो होता है सुप्रोफेसियल गैंग्लियन, मींस ओएसोफेगस के अपर वाला पार्ट। नेक्स्ट क्या क्या होते हैं कॉकरोच में सेंस ऑर्गन, तो एंटीना, आईज, मैक्सिलरी पल्प्स, लेबियल पल्प्स और एनल सर्काई जो मैंने आपको बात की, जो मेल और फीमेल दोनों में है, एनल स्टाइल सिर्फ मेल में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट आगे बात करें हम कंपाउंड आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपाउंड आई में 2000 ओमेटिडिया प्रेजेंट होते हैं। ओमेटिडिया है क्या, तो ओमेटिडिया हेक्सागोनल यूनिट्स होते हैं, हेक्सागोनल शेप का होता है, मोजाइक विजन में काम करेगा। मोजाइक विजन में क्या होता है, बहुत ही अच्छे से विजन क्लियर लेगा, जितने भी वर्टेब्रेट्स हैं उनसे ही अच्छी इमेजेस लेता है। अब ये समझ लो, मोजाइक विजन में मोर सेंसिटिविटी लेस रेजोल्यूशन, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। और ये नॉक्टर्नल विजन ही करता है, रातों में ये जनरली विजन जनरली शॉर्ट करता है, इसलिए इसमें जरूरी भी था ओमेटिडिया। नेक्स्ट हम बात करें कॉकरोचेज, कॉकरोचेज के बारे में कही जाती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल दोनों सेपरेट होती है, इसलिए डायोशियस है ये। टेस्टिस हैं कहाँ पे, तो 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। इनके पास एक मशरूम शेप्ड ग्लैंड होता है जो कि एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होता है 6 to 7 सेगमेंट में। सेगमेंट खास है, आप सेगमेंट यहाँ पे याद रखें, और सेगमेंट मैंने आपको कोई याद करने के लिए नहीं बोला है, आप यहाँ पे देखें। नेक्स्ट है मेल गेनोपोफाइसिस, फैलोमेयर एक काइटिनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होता है। ओवरी के बारे में कहें तो 2nd से लेकर 6 एब्डोमिनल सेगमेंट तक ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, इसमें ओवेरियन ट्यूबल्स और सब कुछ होते हैं, ओवरीज, ओवरियोल्स वगैरह। आगे हम बात करें तो पूरा अगर सिस्टम अगर देखें तो पहले हमारा ओवेरियन ट्यूबल्स से ओविडक्ट, ओविडक्ट से वेजाइना, फिर जेनिटल चैम्बर, फिर स्पर्मेथिका, फिर ये सब पार्ट जनरली इसमें होता है। स्पर्म सब ट्रांसफर हो चुके हैं स्पर्मेटोफोर में, अब एग्स फर्टिलाइज कर चुके हैं, अब जो एग्स फर्टिलाइज हुए हैं वो उथिका के फॉर्म में बाहर आएंगे। उथिका एक डार्क रेडिश से लेकर ब्लैकिश ब्राउन कलर का कैप्सूल टाइप का होता है, जिसको हाई ह्यूमिडिटी वाले प्लेस पे इसको गिराया जाएगा। गिराने के बाद जो एक जनरली जो अंडा है वो 9 से 10 उथिका का फॉर्मेशन करता है, और एक उथिका में 14 से 16 अंडे होते हैं। नेक्स्ट
स्पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट होता है, मींस निम्फल स्टेज से ये डेवलपमेंट होगा निम्फ से, और निम्फ जो होता है जनरली एडल्ट से मिलता जुलता है। निम्फ अगर 13 टाइम अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एडल्ट का फॉर्म हो जाता है। जनरली जो बच्चे होते हैं निम्फ जो होते हैं उनमें विंग्स नहीं होता और मैच्योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उसमें नहीं होते हैं। अब तो जानते हैं ना कि कॉकरोच का कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं होता है। और जहां तक इसकी बात है जितने भी फ्रॉग्स के बारे में, तो फ्रॉग्स में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्रॉग तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, आप एम्फीबिया में पढ़ते हो इसके बारे में। आप तो सिर्फ इसका याद रखना स्पर्म का रूट क्या होता है, तो जो सबसे पहले टेस्टिस में स्पर्म आया, देन वासा इफ्रेंसिया, देन किडनी में, किडनी के बाद बीडर्स कैनाल में, बीडर्स कैनाल के बाद यूरिनोजेनिटल डक्ट में, देन क्लोइका। ये पार्ट आप याद रखना, ये पार्ट पूछा गया था इसलिए मैंने बता दिया है, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कहीं, लेकिन फ्रॉग और अर्थवर्म हमारे सिलेबस में है नहीं। और इसमें एक और चीज, जितने भी आप इसके समरी मत पढ़ना, समरी में बहुत सारे सेगमेंट की उलट फेर हुई है, अगर करेक्शन हुआ है तो आप देख लोगे वो, लेकिन आप इसकी चैप्टर ही पढ़ना तो काफी है। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है ये चैप्टर।